सो बेटा, जैसे कल है ना, मुझे ऐसा लगा कि अपन जो सिमुलेशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर तो खैर इजी है और इसके बहुत हाई परसेंटेज है, चांसेस है आने के कि ये 8 मार्क्स का, देखो मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का तो आपको मिलेगा ही ना, तो ये 8 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है ना, इजी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको आएगा। लेकिन कल एक क्वेश्चन आया था रिद्धि का निकल के कि भाई आपका ना जो मैम रैंडम नंबर्स है ना, वो रैंडम नंबर्स जो है वो क्या है ना। तो मैंने सोचा कि एक क्लास मुझे रैंडम नंबर्स पे जरूर रखनी चाहिए, कि रैंडम नंबर्स जो ना वो क्वेश्चन के अंदर हमेशा देके रखता है। मैंने आपको क्या कहा था कि वो 99% तो आपको देके ही देके रखता है। और वैसे भी रैंडम नंबर की एक बहुत बड़ी टेबल होती है, रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर का मतलब ऐसे ही कोई भी नंबर उठा लिया, ऐसे ही किसी को भी कोई भी नंबर उठा लिया। तो अपने पास में क्या होती है बेटा, रैंडम नंबर की एक टेबल हुआ करती है, ठीक है। मान लो एक रैंडम नंबर, बहुत सारी टेबल्स होती है, आपको कोई एक टेबल दे दी रैंडम नंबर की, और उसमें हमारे पास में क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं 2 3 4 9, फोर फोर डिजिट्स में है, 6 4 9 3। मैं क्रिएट कर रही हूँ है ना, मतलब क्रिएट कर रही हूँ। और कैसे क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी नंबर आपके पास में होते, तो नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक। आपके पास में जो नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, है ना। अगर आप 10 बनाओगे तो 10 भी किससे बनता है, क्योंकि आप बोलोगे 10 तक, तो 10 जो 1 और 0 से बनता है, जो कि इसी कैटेगरी में आ जाता है ना। तो बहुत छोटा नंबर मैंने एक टेबल में खुद बना रही हूँ, ठीक है। और 6 1 2 4 9 2 6 3, कुछ भी हम लिखते जाते हैं, है ना। मतलब ये टेबल बहुत बड़ी हो सकती है, तो आपने देखा मैंने टेबल तो बहुत छोटी बनाई है, ये मैंने बनाई आपके लिए टेबल। तो ये कितनी बड़ी है, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 15 नंबर्स हैं, है ना। देखो ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो अपनी रोज हो गई, और कॉलम्स, फिफ्टीन हाँ, और कॉलम्स अपने कितने हो गए, कॉलम्स अपने 3 हो गए, है ना। ये 1 2 और 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। हमने ये नंबर ऐसे रख दिए, ये नंबर के बीच में जो ये जो गैप होता है, ये नंबर के बीच में जो गैप है, ये गैप जानबूझ के रखा है मैंने, कि वैसे ही तो नंबर सारे पास पास में चिपके चिपके भी हो सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ कैसा रखा कि भाई थोड़ा सा ना इसको देखने में ये इजी लगे कि भाई हाँ ये 2 3 4 9 लिखा है, 6 4 9 3 लिखा है, 3 9 1 0 लिखा है, तो इसको थोड़ा सा समझने देखने पढ़ने में इजी लगे, ऐसा हमने इसको लिखा है जानबूझ के। अगर ये जो गैप है, डोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ गैप, ठीक है, डोंट अंडरस्टैंड कि देर इज अ गैप, गैप नहीं मानना है, लेकिन हमने इसको दिखाया ऐसे कि देर इज अ गैप, सो डेट वी कैन रीड द नंबर। जैसे इसको पढ़ना पड़े तो आप बोलोगे तो 2349 है, 6493 है, सो टू मेक इट रीडेबल आई हैव प्रेजेंटेड दिस इन दिस फॉर्म, ठीक है। ये ऐसा, अब एक रैंडम नंबर हमने, हाँ एक सेकेंड बेटा रुकना यार, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने कोई नंबर्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अच्छा, अब ये रैंडम नंबर का टेबल, हमने एक रैंडम नंबर अपने सामने रख ली। अब रैंडम नंबर कैसी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई एग्जैक्ट रैंडम नंबर की टेबल होती होती है। तो अब क्या करना है, जैसे मान लो सवाल के अंदर हमारे पास में रैंडम, जैसे कल क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन में बोला कि 48 32 11 68 71 82। फिर हमने कल, आपको पता है कल एक क्वेश्चन था, उसके अंदर हमारे पास में 8 कस्टमर्स के रैंडम नंबर्स दिए हुए थे, है ना, हाँ मैम, दिए हुए थे। तो वो फिर क्वेश्चन निकल के आया कि ये रैंडम नंबर क्या है। तो ये रैंडम नंबर, मैंने कहा ये क्वेश्चन में हमेशा देख के रखेगा, ताकि इन रैंडम नंबर की हेल्प से हम सिमुलेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करके रखें। तो पर फिर क्वेश्चन निकल के आया कि भाई मैडम ये रैंडम नंबर एग्जैक्टली क्या है, तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको बाद में एक क्लास ही रखते हैं, एग्जैक्टली ये समझ में भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कोई चीज नहीं है। जैसे रिद्धि ने कल क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे इसके प्रॉपरली क्लास लेके इसको पहले मैं क्लियर करूं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखती हूँ, एक एग्जाम्पल रखती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो हमको ये बोले कि आपको क्या करना है, चूज अ रैंडम डबल डिजिट नंबर। अब हम मान लो कि दो दो डिजिट्स के नंबर आपको सर्च करने हैं, या आपको क्रिएट करने हैं आपको, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको देके रखेगा, क्योंकि ऐसी कोई टेबल आपको एग्जाम में देगा नहीं,
कि आप है ना खुद एक रैंडम नंबर क्रिएट करो, इसलिए एग्जाम में खुद ही दे देता है, क्योंकि ये टेबले बनाना, टेबले देना, इन टेबल में से रैंडम नंबर 10 कस्टमर के लिए रैंडम नंबर्स देखना या 10 डेज के लिए रैंडम नंबर्स निकालना, दैट इज नॉट योर ड्यूटी, वो एग्जामिनर आपको देगा, बट फिर भी वो क्रिएट कैसे करता है, वो लेके कैसे आता है, वो चीज हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ एक रैंडम नंबर, या हम ये देख लो कि रैंडम नंबर डबल डिजिट, डबल डिजिट का मतलब क्या होता है कि 00 से अगर कोई नंबर स्टार्ट करे और 99 तक, क्योंकि अगर हम 0 से लेकर 100 तक की गिनती लेते हैं तो 100 में क्या होता है 3 डिजिट्स आ जाता है। मैम 10 से होता है ना 2 डिजिट नंबर तो चालू? 10 से तो होता है, आपका कहना सही, आप बोल रहे हो कि 10 से स्टार्ट होता है और वो 99 तक जाता है, क्योंकि 100 तक जाएगा हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो 3 डिजिट्स हो जाएगा, तो फिर इसको तो हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलो 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप देखो कि ना हम स्टार्ट 00 से क्यों कर रहे हैं, कि अगर आपके पास में कोई नंबर 0 से लेकर अगर मान लो 9 तक के अगर नंबर्स हैं तो फिर ये नंबर तो कहीं है ना, तो यानी कि हमने हमने क्या किया, ये 10 नंबर तो हमने यूपी छोड़ दिए, तो हम चाहते हैं ये नंबर भी हाँ, इन्हें छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो 100 हमारे 0 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स होते हैं, ये जो 100 या 1 से समझो 1 से लेकर 100 नंबर्स है, इन 100 नंबर्स में से मुझे कोई 10 नंबर्स उठाने हैं, हमारे पास में 100 नंबर्स है, या मान लो यहाँ पर हमारे पास 100 नंबर्स हैं, 100 रैंडम नंबर्स दिए हैं, उसमें से मुझे 10 नंबर उठाने हैं, 10 रैंडम नंबर्स उठाने हैं, और जो 10 रैंडम नंबर्स उठाने हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे 2 डिजिट्स, डबल डिजिट या 2 डिजिट्स के होने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं। तो अगर हमने 1 से 100 बोला है ना, तो अब इसमें आपने बोला रिद्धि, किसने भी बोला मुझे नाम पता नहीं, आपने बोला 10 से स्टार्ट करो, नहीं, क्योंकि हमारे पास में नंबर कैसे लिखे हुए हैं, तो हम इसको ये जो नंबर है ना 1 2 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0 1 0 2 0 3। अब जैसे हाँ, तो जो कंप्यूटर होता है, अगर हम कंप्यूटर से कभी रैंडम नंबर का सिलेक्शन करते हैं, या फिर कोई फॉर्मूला लगाकर हम रैंडम नंबर्स का सिलेक्शन करते हैं, या हमारे पास कोई टेबल प्रोवाइडेड होती है उससे हम लोग रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो 2 डिजिट्स नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो कैसे, देखो हमने 1 से माना तो उसको 0 1 0 2, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये हमारे लिए 2 डिजिट्स नंबर ही है, इज 0 इज अ नंबर, इफ यू राइट लाइक दिस तो दिस बिकम्स अ 2 डिजिट नंबर, राइट, सो वी कैन टेक नंबर फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, हियर टू हियर, सो दिस इज द प्रॉपर वे कि यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर इनके बीच में फॉल करेगा, ठीक है, मैं इसलिए इन सबको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब आपके पास में ये कितने नंबर हो गए, 0 से लेकर 99 आपके पास में 100 नंबर है, कितने नंबर है 100 नंबर, इन 100 में से आपको कितने सैंपल उठा ले, केवल 10 के, जैसे कल था आपके पास में पेशेंट्स थे, क्वेश्चन था जिसमें आपको 8 पेशेंट्स थे, उन 8 पेशेंट्स की आपको सिमुलेशन करनी थी, और उस क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर्स दे रखे थे, है ना, तो रैंडम नंबर्स कैसे निकाले होंगे वही हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट्स का नंबर उठा रहे हैं, अब वो कैसे उठाना है, वो कैसे उठाना है, देखो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो एनी कॉलम, हमने मान लो यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से स्टार्ट किया, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर क्या है, You can start from any row, any column, whatever is your choice, वहां से आप start कर सकते हो। Suppose हमने first row and first column से random number start करना start किया, okay? तो हमारा first यहां से start किया, तो 2 digits number आपको मिला है क्या? मिला है ना? मिला है। तो अगर हमारा पहला जो पहला sample आ गया, उसमें random number, जो पहला sample आया, उसका random number क्या हुआ? 23। Second, हाँ, second sample जो है, उसको लिए हम चाहे ऐसे चले जाओ चाहे कैसे भी चले जाओ, हम चलो ऐसे चले पूरा 2349। हाँ बेटा फिर से तेज बोलो, वापस से बोलो मैम, नहीं सुनाई दिया मुझे मैम, मेरे नेटवर्क के इशू काफी हो रहा है मैम, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो मैम एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। कुछ नहीं हमारे पास बारी बारी, हाँ कुछ नहीं, हमारे पास में बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से हमें 10 रैंडम नंबर उठाने हैं, कोई भी 10 रैंडम नंबर, तो हम रैंडम नंबर कैसे उठाते हैं, तो अभी हमने बताया कि हम रैंडम नंबर पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं उठाना, तो हमने पहला रैंडम नंबर उठा लिया और 2 डिजिट नंबर उठाना है हमें। अब दूसरा उठाया, तो आप इसके जस्ट बाजू वाला कौन सा है, ये वाला, आप ये वाला उठा लीजिए, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 49। तीसरा आपको उठाना है, आप ये उठा लीजिए 24, ठीक है, 4। हाँ जी बेटा, मैम ये पूरा नंबर एक साथ है या 23 अलग है 49 अलग है? एक पर रुको, देखो आपने फोर्थ उठाया 90, मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि एक साथ लिखा ना 2349, इसमें से दो दो ले रहे ना। हाँ देखो मैंने भाई मेरी मेरी प्रेफरेंस है, मेरी चॉइस है कि मुझे कैसा नंबर उठाना है,
टू डिजिट, टू डिजिट्स उठाना है। तो हम, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप ये मानो कि जो नंबर्स लिखे हुए ना, ये तो हमने इसको रीडेबल फॉर्म में, देखने में, समझने में, पढ़ने में आसान लगे, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे ऐसे किया, फोर फोर डिजिट्स के अंदर, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, इसलिए ऐसे लिखा है ये। मैं अभी आपको समझाती हूँ, कैसा भी हो सकता था। पहले आप देखो मेरे को अंडरस्टैंड, आपका क्वेश्चन का आंसर अभी आपको सेकंड उसमें मिल जाएगा, मैं अभी आपको रिप्लाई करती हूँ। आपको फिफ्थ सैंपल उठाना है, मतलब आपको 10 सैंपल्स उठाने हैं, 10 रैंडम नंबर्स उठाने हैं। व्हाट यू हैव टू पिक, यू हैव टू पिक 10 रैंडम नंबर्स। सो अभी आपने, अब फिफ्थ उठाओ तो आपने यहाँ तक उठा, 39, हाँ 39। सिक्स उठा लो आप लोग, तो ये हो गया आपका 10। सेवन उठाओ, वहां तक ओवर हो गया, नाउ विल कम टू नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका 61, 96 तक होगा, तो ये आपका हो गया 24, आपका नाइन्थ में क्या हो गया 96, 10, 23, राइट। सो आपने देखा कि वो एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ में, कि आपको ऐसा कुछ नहीं देता है, ये भी कुछ नहीं देता है, ये भी कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, ये कुछ नहीं देता है आपको, और वो बोलता है कि दीज आर द रैंडम नंबर्स, ये रैंडम नंबर्स हैं आपके, ये है ना। नाउ सिमुलेट योर क्वेश्चन, अब आप सिमुलेशन करो, सिमुलेशन करो क्वेश्चन का। तो समझ में आया उन्होंने रैंडम नंबर कैसे उठाया होगा, मतलब बनाया होगा? हाँ मैम, अपनी मर्जी से कोई सी भी नंबर उठा लिए। हाँ, अब देखो ये टेबल कुछ और नंबर्स के साथ लिखी होती तो आपका नंबर्स अलग आता। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा ये, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा अगर ये आया है तो आप सभी का भी यही आएगा। इफ यू हैव डिफरेंट टेबल देन यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स, आपके 10 अलग सैंपल्स आएंगे। थर्ड पर्सन के पास में ये टेबल अलग है तो उसका अलग आंसर आएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन रैंडम में क्या होता है, ये नंबर्स पे क्या है, कोई आप देख रहे हो कोई सीक्वेंस में तो नंबर नहीं लिखा है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी लिखा है, और उसमें हमको जो उठाना है 10 हमने उठा लिया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया तो ये नंबर है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते है? ये पहला होता है जरूरी, मतलब अगर अलग जैसे सेम टेबल भी होती तो भी अपन नंबर तो चेंज आते ही, तो आंसर तो भी चेंज आता है, जैसे कुछ बच्चे। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चेंज आता, बिल्कुल आता, और इसीलिए ना वो एग्जामिनर आपको एक ही नंबर आपको खुद ही उठा के दे देता है ताकि सबका आंसर एग्जाम में सेम आ जाए, राइट। अगर आपको सबको यही रैंडम नंबर दिया जाए, आप क्वेश्चन कर लो आप लोग, तो सबका सेम आ जाएगा। बट आपको तो ये दिस इज अनदर चैप्टर, ये दिस इज अनदर टॉपिक। सो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चीज थोड़ी खटक रही थी कि भाई ये है क्या, तो भाई ये चीज है, ये आपको समझाने की मैंने कोशिश करी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ये आया यहाँ तक समझ में? चलो, ये कहता है, हाँ मैम, हाँ। अब देखो ये कहता है कि अगर ये यहाँ पे ऐसे लिख देता, डबल डबल की जगह क्या लिख देता, ट्रिपल या थ्री डिजिट्स, क्या बोलता है ये, थ्री डिजिट्स नंबर उठाने हैं, एक आपको थ्री डिजिट्स नंबर का नंबर्स उठाने हैं, और सैंपल कितना आपको, कितने आठ सैंपल्स बनाने हैं, कितने सैंपल्स बनाने हैं, आठ सैंपल्स हमारे पास में, हमारे पास जो टेबल प्रोवाइडेड है उसमें कितने हैं, 15 नंबर है, है ना। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हमको 8 सैंपल उठाने हैं, ठीक है। अब वापस से इसको समझो कि हमको नई चीज कुछ पूछ ली है, और अब हमको मैम, हाँ जी बेटा, अपन ऐसे चूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ना 2 को छोड़ दो, अब 3 डिजिट में अपन 3, 4, 9 ऐसे चूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा बड़ा बता देती हूँ मैं आपको, कि आपका जो रैंडम नंबर का सिलेक्शन होता है ना, वो कंप्यूटर बेसिस पे भी, कि कंप्यूटर में आपने फॉर्मूला लगाया, रैंडम नंबर निकाली। आई विल डू दिस फॉर यू, मतलब आई विल शो यू कि कंप्यूटर से भी कैसे ना रैंडम नंबर सेलेक्ट करते, दिस आई विल डू। एक्सेल, आप एक्सेल का अंदर फॉर्मूला लगा के भी यू कैन फाइंड रैंडम नंबर, दिस विल आई डू फॉर यू, ओके। थ्री, ये थर्ड जो है, ये दिस इज द टेबल प्रोवाइडेड टू यू, लाइक मैंने एक टेबल आपको बना दी, टेबल गिवन है, एंड इसमें से आपको रैंडम नंबर का सिलेक्शन, और भी अदर वेज हो सकते हैं, वो आपका स्टैट्स का सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, एंड एट द एमएससी लेवल, एट एमकॉम लेवल, ठीक है। सो हमारे एमकॉम लेवल तक तो हमने ये नहीं पढ़ा, ये चैप्टर्स कभी आता नहीं है रैंडम नंबर्स का, बट एमएससी में है, ठीक है, इंजीनियरिंग में है, आई नो। तो ये वाला जो है कि रैंडम नंबर में आप कैसे रैंडम नंबर उठा रहे हैं, सो यू कैन डू एनी वे, कंप्यूटर से, एक्सेल से, टेबल से, किस तरीके से आपको रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है। सो ये मैंने आपको सोर्सेस बता दिए, हमारा सोर्स तो अभी ये कि हमको एक छोटी सी टेबल दे रखी है और उसमें से हमको क्या करना है, एक रैंडम नंबर बनाना है, तो ये हमारी टेबल दे रखी है।
टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स दे रखी है और इसमें से हमको रैंडम नंबर सेलेक्ट करने है. कितने रैंडम नंबर सेलेक्ट करने है? 8 रैंडम नंबर सेलेक्ट करने है. चलो कितने डिजिट्स के उठाने है? ये हमने यहाँ रखा है कि 3 डिजिट्स के उठाना, राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं उठाना. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कहीं कहाँ से स्टार्ट? यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो यहीं से स्टार्ट कर दो. डोंट लीव दिस. आप हमेशा स्टार्ट करोगे तो अपने ड्रॉअर कॉलम कोई भी चूज कर सकते हो. आप चाहते हो कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग. फर्स्ट नंबर चालू यूज करना ही पड़ेगा. हाँ हाँ, वो ऐसे ही करेगा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से तो स्टार्ट करो. आप कोई से भी रो कॉलम से यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, बट फिर एक आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो फिर आप ऐसे 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 चलोगे, पूरा चलोगे ऐसे ऐसे. फिर आप किसी को बीच में किसी को नहीं छोड़ना है, बीच में आपको किसी को नहीं छोड़ना. वो नहीं बोल रही मैं, जैसे 2349 है तो उसमें से मैं 349 ले सकती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा मत करना. ठीक है, चलो आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से स्टार्ट करो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, आपने कहा मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड हमको 3 डिजिट्स उठाने, तो हाउ विल वी पिक? कैसे देखे? ऐसे 612. ठीक है, 8 सैंपल्स निकालने हैं. तो हमारा पहला सैंपल क्या हो गया? 612. सेकंड सैंपल क्या हो गया? सेकंड रैंडम नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो, छोड़ना कुछ नहीं है. ये देखो, दिख रहा है आपको? आप लिखोगे 496. तो थर्ड सैंपल क्या हो जाएगा आपका? छोड़ना कुछ नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि मैं छोड़ दे क्या. नहीं बेटा, छोड़ना नहीं. ठीक है, 2 3 4. हमने क्या बोला कि जो गैप आ रहा है, डोंट कंसीडर देयर इज अ गैप. बोला था ना, मैंने बोला था ना, यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है उसको ये मत समझो कि गैप है. ठीक है, हमने तो उसको थोड़ा गैप दिख रहा है, आप सोचोगे गैप है तो मैं छोड़ दू क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है. तो आपका क्या आया? 2 3 4. 2 3 4. फिर फोर्थ सैंपल होएगा तो क्या होगा? 8 0 है ना. और दूसरा 8 3 4. ये क्या आया? 8 0 8 0 4. 8 3 4 0 9 8 8 0 4. फिर अब नेक्स्ट सैंपल उठाएगा तो 8 3 4. सिक्स सैंपल उठाएगा 0 9 8 0 9 4 0 9. सेवन सैंपल उठाएगा तो 2 double 8. सैंपल लास्ट 31 48. 3 1 4. ठीक है, ये अपना हो गया. यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम. मतलब वो आपसे क्यों करवाएगा? अब आपको पता चल गया कि रैंडम नंबर हमको कैसे. 4 डिजिट्स का होता तो आप उठा लोगे, 5 डिजिट्स का होगा तो आप उठा लोगे, 1 डिजिट का बोले तो आप 1 1 उठाना पड़ेगा फिर आपको, है ना. कैसे भी उठा सकते हो. आ रहा है यहाँ तक समझ में? हाँ मैम. यस. अब ये तो हमने आपके लिए ऐसे कर दिया कि आपको एक रैंडम नंबर दे दिया हमने और आप उसको कर लो. ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखें. दूसरा तरीका देखें, मत बोलो, नहीं बोलोगे तो. यस मैम. देखा? यस मैम. देखो, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको यही क्वेश्चन में 3 डिजिट्स बोला, अगर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. 2 3 4 नीचे, छोड़ना मत कुछ, ऐसे भी जा सकते हो. जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही जाओ, ऐसे भी जा सकते हो. तो आपने यहाँ पे 5 नंबर उठा लिए, फिर छठा नंबर उठाओगे तो ये उठा लोगे. मैम 2 3 4 के बाद में तो 9 6 1 आएगा ना, अगर अपन ऐसे चले तो. देखो मैं ऐसे जा रही हूँ तो ऐसे भी नंबर उठा सकती हूँ. हाँ, तो फिर इसके में 9 है ना साथ में, तो आपने बोला 9 नहीं मतलब छोड़ना नहीं, कुछ नहीं. कहाँ छोड़ा मैंने? क्या छोड़ा बताओ, क्या छोड़ा मैंने बताओ? 2 3 4 के बाद में 9 था ना. अच्छा, मैंने आपको फिर से समझाती हूँ. मैंने आपको ये बोला कि आप ऐसे उठा लो, सुनो मैं छोड़ कुछ नहीं रही. आप देखो, आप पहला सैंपल उठा लिया, दूसरा सैंपल उठा लिया 3 डिजिट्स का, थर्ड उठा लिया, फोर्थ उठा लिया, फिफ्थ उठा लिया, सिक्स उठाएंगे तो कहाँ छोड़ रही हूँ मैं? ऐसे उठाऊंगी ना, समझ रहे हो? हाँ मैं समझ. आ रहा है? हाँ. ये ऐसे बोल रही हूँ मैं. मैंने क्या बोला, गैप जो है इसको गैप मत समझो. ये समझ में आई है बात? 994 है, ये 496 है, एग्जाम में. पर वो कल क्वेश्चन आया ना, मुझे भी वो बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं उस चीज को छोड़ू नहीं, मैं उस चीज को समझाऊं. इसलिए मैंने कहा मुझे एक सेशन रखना चाहिए कि बच्चों को लगे कि रैंडम नंबर है तो क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है ये चीज. तो कल वो थोड़ा अजीब था ना, तो मैंने कहा इसका सेशन ले लेते हैं अपन लोग, इसलिए स्टार्ट किया. वेट, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, रुको, वो भी इंटरेस्टिंग है.
दिख रहा है आपको कोई स्क्रीन? हाँ मैम, एक्सेल। एक्सेल दिख रहा है। अब मैं आपको एक्सेल से बताती हूँ, ठीक है? देखो मैंने नंबर्स लिख के रखे आपके लिए, पॉपुलेशन ऑफ 100 स्कोर, मतलब 100 जनों का स्कोर लिखा हुआ है। यहाँ से देखो कितना कितना है, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट किया ये रेंज अपनी, सेकेंड, कितने नंबर से, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। अरे यार ये टच भी काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, ये हमारे पास में 100 नंबर है, ठीक है? अब इन 100 नंबर में से मान लो हमको 10 सैंपल उठाने हैं या 15 सैंपल उठाने हैं। ये टू डिजिट्स के हमने अपने पास में मतलब 100 100 स्कोर, 100 स्कोर, 100 स्कोर ऐसे रख लिए। कैसे 100 स्कोर है? ये 100 लोगों के स्कोर है, यानी कि प्लेयर्स हैं, अगर उनके स्कोर है सेकंड प्लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का, ठीक है? ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये स्कोर्स लिखे हुए हैं, चाहे क्रिकेट के स्कोर्स हों, चाहे आपके मार्क्स हो, कैसे भी हो, ठीक है? अब इनमें से हमको रैंडम बाय एक्सेल शीट हमको रैंडम नंबर्स उठाने हैं। आपने बोला 15 रैंडम नंबर उठा लो या कैसे भी उठा लो। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक बार है ना मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी करके देखना चाहो तो फाइल में जाके क्या किया था मैंने, यहाँ देखो ये फाइल में गए, यहाँ पे जाके आप यहाँ मोर में जाना, यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है? यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस रखे हैं, जनरल, फॉर्मूलाज, डेटा, ऐसे 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 करके सेकंड लास्ट दिख रहा है आपको एडिंस, इसमें चले गए, ठीक है? और इसमें हम गो में किया, ठीक है? ये अगर आपके अनटिक है तो इसको ऐसे टिक लगा लेना, ठीक है? टिक लगा के ओके कर देना। एनालिसिस टूल लिखा हुआ है तो ये एनालिसिस के लिए हमको ये ओके रखना है, ठीक है? ये हमने वहां पे ओके कर दिया सेटिंग। फिर आप आइए यहाँ पे, आपको ये दिख रही है ऑप्शंस, उसमें डेटा में जाइए, ठीक है? डेटा में गए हम लोग और डेटा में जाके हमने डेटा एनालिसिस पे देखा और इसको हमने सेलेक्ट किया, ये निकल के आया। डेटा में जाके डेटा एनालिसिस में गए, ये डेटा एनालिसिस, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास में ना डेटा डेटा का एनालिसिस करना है आपको, तो कैसे एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीजें होती है ये आपके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है जब हम बीकॉम। जो डेटा है उसका आपको हिस्टोग्राम चाहिए, जो भी चाहिए वो अपने आप ही बन जाएगा। हाँ, इस डेटा के ऊपर देखो आप, ये डायरेक्ट कंप्यूटर की हेल्प से आपको मैनुअली, अभी तो मैंने सारा काम आपको मैनुअली करके दिखाया था ना, तो उसमें आपको ऑप्शन आ रहा है ना रैंडम नंबर जनरेशन। हाँ, रैंडम नंबर जनरेशन, मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर रखे हैं यहाँ पर। मैं इसमें से 10 रैंडम नंबर उठाने वाली हूँ, तो मैं एक सैंपल उठाने वाली हूँ। आपको 15 या आठ, कल 8 पेशेंट थे तो 8 पेशेंट कौन कौन से होंगे, उनका रैंडम नंबर क्या होगा, तो सैंपलिंग उसका 8 पेशेंट का सैंपल उठा लिया था हमने। यहाँ पे सैंपल उठाना पड़ेगा, तो आपने सैंपल उठाया। देखो अब देखो ये कैसे बनाना है, ये देखो यहाँ पे हम, ये एक रेंज है, ये यहाँ इस, ये पूरा जो टोटल हमारे पास में है ना, ये इतना बड़ा एरिया है, इन पूरे नंबर्स में से हमको अपने कुछ नंबर्स उठाने हैं, सैंपल्स उठाने हैं। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में यहाँ पे ये रैंडम नंबर है, तो कितना रैंडम नंबर चाहिए आप बताओ, 8 चाहिए, 15 चाहिए, कितना चाहिए? जैसे हमने कहा हमारे लिखो 15 चाहिए था, 15 लिखो, ठीक है? अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक सेकेंड, आप कहाँ कहाँ रखना चाहते हो? देखिए हमने कहा हमें एक पहला यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे एक रेंज ये करा, ये G2, ये इसका एड्रेस आ गया, ठीक है? आप इसको ओके कर दो। अब देखो आपके पास में, आपने देखा कंप्यूटर के हेल्प से हमने 15 रैंडम नंबर कैसे जनरेट किए, देखा आपने, टू डिजिट्स के हमने जनरेट किए, क्योंकि सारे डेटा टू टू डिजिट्स के थे। समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, समझ में आया? कहां से सर? देखो यहाँ पे डेटा में जाओगे, कौन सी रो कॉलम से, कौन सी रो कॉलम से वो एड्रेस जो डाला ना वो पूछ रहे। अरे तुम यहाँ पे तुम्हें, अरे कोई भी 10 नंबर तुम्हें निकालने या 8 सैंपल्स उठाने, तो कहीं पे भी उठा लो ना, कहीं मैंने यहाँ रखने हैं मेरे को जो 8 सैंपल उठाने। मान लो फिर से बताती हूँ, डेटा में गए, डेटा एनालिसिस में गए और मुझे 8 सैंपल्स उठाने, तो ये सैंपल सेलेक्ट कर लिया और ये ओके कर दिया, ठीक है? अब कहाँ इन ये जो पूरे स्कोर है ना, ये 100 लोगों का स्कोर है, इनमें से उठाना है, तो ये हम, ये रेंज यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप इनको यहाँ पे खाली है, मान लो ये रेंज बताना है कि कौन से नंबर में से, कौन सी टेबल में से आपको अपने सैंपल उठाने हैं। तो मैंने कहा मुझे यहाँ से लेके ना ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, देखो इन सभी में से मेरे को ना सैंपल उठाना है, तो मैंने ये अपना पूरा डेटा इसको पकड़ा दिया कंप्यूटर को। मैंने कहा मुझे 8 सैंपल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 सैंपल्स लिख लेती हूँ, ठीक है? मैंने कहा मुझे कहाँ रखने हैं, मैंने कहा यहाँ पर आप कहाँ रखना चाहते हो, मैंने कहा मुझे सेकंड सैंपल यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तो वो एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया, समझ रहे?
एच टू, हाँ देखो अगर मान लो यहाँ रखना है तो ये सिलेक्ट, यहाँ रखना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा, ऑटो कैप्चर करेगा, फिर हमने इसको ओके दबाना है। ये कंप्यूटर का अपना सिस्टम है ना, ये देखो अब कितने सैंपल्स आए रैंडमली, वो कुछ भी दे रहा है, अपना कुछ नहीं है रैंडमली, क्योंकि रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं और रैंडम नंबर्स में से कोई 8 सैंपल उठाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा कंप्यूटर अपने आप ही अपनी मर्जी से उठा के दे रहा है। हाँ कंप्यूटर अपनी मर्जी से आपको सैंपल उठा के दे रहा है, ठीक है, बस सिंपल, ज्यादा ना अपन को दिमाग नहीं लगाना है। मैंने सेशन इसलिए उठा लिया कि थोड़ा ठीक है आपको डीप नॉलेज हो जाए, बाकी आपके लिए ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया। समझ में आया आप लोगों को? कुछ आया समझ में? नहीं आया, आ गया ना? अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक है। ये सब देख लिया आपने? देख लिया मैंने मैम। हाँ जी मैम कल जैसा एक और क्वेश्चन करा दो आज। बिल्कुल बेटा वही करा रही हो, अब ये बहुत हो गया अपना। ये देखो ये क्वेश्चन है, स्टेट द मेजर टू रीजंस फॉर यूजिंग सिमुलेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब क्या कह रहा है, एक कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर क्या होता है, मिठाई बेचने वाले को कन्फेक्शनर बोलते हैं, बेकरी वाले को जो मिठाई बनाता है, जो मीठी मीठी चीजें, चाहे वो मिठाई की दुकान पे हो चाहे वो बेकरी शॉप हो। सो कन्फेक्शनर सेल्स कन्फेक्शनरी आइटम्स पास डेटा ऑफ डिमांड पर वीक। अभी आपके पास में डेटा है, डिमांड का डेटा हर हफ्ते का, ये हर हफ्ते का, एंड इन 100 केजीज विद फ्रीक्वेंसी इज गिवन ब्लो। आपको क्या दे रखी है, डिमांड पर वीक दे रखी है, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 वीक्स हैं और इनकी डिमांड दे रखी है आपको, ठीक है। क्या दे रखी है आपको, डिमांड दे रखी है और ये टेबल में, और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जीरो डिमांड ऐसा कब होगा, 2 बार होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम्स, कितनी बार कोई चीज होती है, हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग happens, that is your frequency. 5 मतलब 5 demands आएगी, ऐसा 11 बार हुआ, 10 demands आएगी। सिर्फ मान लो एक केक है, this is a cake, मेरे को पता नहीं केक कैसा होता है, लेकिन बनाना तो आता है लेकिन डायग्राम बनाना नहीं आता, ठीक है। तो 5 केक्स की 11, 10 केक्स की 8, 15 केक्स की ऐसे 21 टाइम्स ऐसा होगा। सो ये आपको डेटा दे रखा है। फिर बोलता है यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। ये बोल रहा है अगले 10 हफ्तों के लिए, अगले 10 हफ्तों के लिए आप डिमांड बताइए, जनरेट कर दीजिए कि क्या क्या डिमांड निकल के आएगी। ये तो पुराना हिस्टोरिकल डाटा, आपका पास्ट डाटा दे रखा है और उनकी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पुराना डाटा के बेसिस पे नया डाटा जनरेट करो, यू जनरेट नया डाटा, नया डिमांड फॉर द नेक्स्ट, नया 10 वीक्स जो है। ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज डिमांड पर वीक। अब ये क्या कह रहा है कि हर हफ्ते की डिमांड भी क्या है वो भी निकालना पड़ेगा। रैंडम नंबर्स आपको पता है कैसे निकालते हो, आपको देख के रखा है ना। इन्होंने बोला 10 वीक्स के लिए, तो 10 वीक्स के लिए कैसे उठाएंगे हम लोग, तो 1, 2 डिमांड पर वीक, ये 5 केजी 10 100 किलोग्राम है ना। समझ में नहीं आया, बोलो वापस बोलो, आवाज कट गई। ये जो डिमांड पर वीक दी रखी है ना, हाँ हाँ, ये मतलब 100 किलोग्राम, मतलब 500 किलोग्राम, ये चीज है ना। हाँ ये 100 किलोग्राम से क्वांटिटी दे रखी है, ये 100 किलोग्राम की आपकी क्या, ये 500 किलोग्राम, 100 ना, हाँ 100 इसने लगाए नहीं, ये 100 इसने लगाए नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक तो? यस। हाँ चलो, अब है ना इसने बोला 10 वीक्स, तो 10 वीक्स उठा लो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, है ना। या 10 वीक्स का, अगर वो ज्यादा बोलता तो हमारे पास में और भी रैंडम नंबर है। अगर वो बोलता कि 10 की जगह आप 15 वीक्स का डाटा निकालो, तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां जो भी है उठा लेते। समझ में आ रहा है रैंडम नंबर का खेल, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो यहां तक तो ईजी था, अब हमको क्या करना है, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, रैंडम नंबर देख के भी समझे होंगे कि ये सिमुलेशन का क्वेश्चन है ना, और उसने क्या बोला, सिक्वेंसिंग, सिक्वेंस बनाना है, और यहाँ पे सिमुलेशन वर्ड बोला है तो सिमुलेशन का चैप्टर है, ठीक है। टेबल 1 बनाएंगे हम लोग, टेबल 1 आपको 4 स्टेप्स मैंने बताए थे कि 4 स्टेप्स को ध्यान में रखना, वो 4 स्टेप्स आपको लगाने ही लगाना। 1 मिनट, क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन निकालना, ये लो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लास ओवर हो जाएगी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। यस मैम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। टेबल 1 बना रही हूं मैं, टेबल 1 आपको मैंने बताई थी सेम ऐसे ही बनेगी हर बार, देखो ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए पार्ट तो थ्योरेटिकल है ना, कौन सा पार्ट,
पार्ट मेजर रीजंस देने कि सिमुलेशन क्यों यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? क्वेश्चन में देखो मैम, ए पार्ट। अच्छा ये, हाँ हाँ अभी बताते हैं, ठीक है चलो अभी बताते हैं। चलो आपको सबका क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। देखो डिमांड पर भी कहाँ दे रखी है, डिमांड क्वेश्चन में दे रखी है क्या? ये दे रखी है, यस मैम दे रखी है। हाँ इनको ऐसे कैसे उतार लो, ये 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे उतार लो, 5, 10, 15 और 20, ये डिमांड हो गई, डिमांड पर वीक हो गई। उसके बाद में क्या दे रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आप भी इसका फ्रीक्वेंसी ले लो, कितना है 2, 11, 8, 21, अरे मैंने गलत लिख दिया, 0, 5, 10, 15, 20, 25 नहीं लिखा, हाँ तो 2, 11, 8, 21, 5, 3, ठीक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमारे पास, मैं आपको बताया था मैंने एक कि ना आपके पास स्टेप्स आपको याद हो जाने चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ देखो ये स्टेप्स याद है आपको कि आपके पास में एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर आप एक इंटरवल बनाना, ठीक है ये तीन स्टेप देख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रैंडम नंबर की इंटरवल्स, ठीक है ओके। तो हमने क्या बनाना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बनानी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे, देखो आप इस ऐसा करो, इसका टोटल, इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ कितना आ रहा है 50, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी की पर वीक डिमांड जीरो, यानी कि किसी हफ्ते एक भी डिमांड नहीं आई, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना हो गया, ये 8 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 50 में से 8 बार ऐसा होगा कि 10 डिमांड आए, है ना, कितना हो गया, और 21 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, 0.10, और 3 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, इसका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। अब आप निकालेंगे, आप ये तो स्टेप्स हैं, ये तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, है ना, तो क्या हो गया 0.04, फिर इस 0.04 में या 0.04 में 0.22 ऐड किया तो कितना आ गया इस नंबर 0.26, हाँ तो ये क्या आ गया 0.26, फिर 0.26 में 0.16 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 0.42 में 0.42 तो 0.84, 0.84 में 0.10 ऐड किया तो कितना आ गया 0.94, 0.94 में 0.06 ऐड किया तो क्या आ गया 1। आप देखना ये और ये सेम हो जाता है, ये लास्ट में इसका टोटल, क्योंकि क्यूमुलेटिव में क्या होता है ऐसे ही होता है। उसके बाद में आपको थर्ड स्टेप पता है, रैंडम नंबर इंटरवल, हाँ उसके रेंज बनानी है, रेंज रैंडम नंबर रेंज बोल लो या रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स कुछ भी बोल लो, है ना। इसका रेंज कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बोला था 0-0 से स्टार्ट करेंगे ऑलवेज, और इसकी जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है वो हेल्प करती है रैंडम नंबर के रेंज बनाने में। तो ये पॉइंट ऐसे समझो कि यहाँ पे पॉइंट्स थे ही नहीं, 0.4 लिखा हुआ है तो इससे एक कम, तो 0.4 से एक कम कितना हो गया 0.3, फिर आप 0.3 हो गया तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 0.4, अपर लिमिट 0.4, तो सॉरी लोअर लिमिट 0.4, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इससे एक कम तो 25, और उसका नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो लोअर, यहाँ 25 है यहाँ 26, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 41 के बाद में 42 से स्टार्ट करेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसको देखकर 83, ठीक है यहाँ 84 लिख लो नेक्स्ट नंबर, फिर अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसको देखकर 93, एक नंबर का, ठीक है 93 के बाद नेक्स्ट नंबर 94 उठा लिया, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इससे एक कम, ये 100 है, अगर इसको आपको 100 मानना था ये 99, मैं बोला था ना यहाँ पे आपको कुछ कल का याद है, we start from here and this always, ये आपका मतलब ये तो आपका हमेशा फिक्स है कि ये टेबल नंबर वन है ना ऐसी चलती है, प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रेंज ऑफ रैंडम नंबर, ये थ्री स्टेप्स तो हो ही गए आपके, क्या हो गए ये शुरू के 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग जिसको लेना है, फिर मैं बाद में तो आपको वैसे भी क्लास भेजने वाली हूँ,
मैम थोड़ा जल्दी भेज दिया करो क्लास। हाँ जी बेटा बिल्कुल। तो यहाँ पे पढ़ी लिया करो ना, टेबल टू बनानी है। टेबल टू बनानी है, ठीक है बनाओ टेबल टू। टेबल टू क्या कहता है? टेबल टू में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे टेबल टू। डिमांडिंग, आवाज नहीं आई बेटा। 10 हफ्ते, अगले 10 हफ्ते के लिए क्या करना है आपको? डिमांड जनरेट करनी है। तो 10 वीक्स में लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ अपने वीक्स। मेरे पास कितने वीक्स का मुझे डाटा सिमुलेशन करना है? 10 वीक्स के लिए। हाँ 10 वीक्स का। बेटा आवाज नहीं आ रही है। दूसरा स्टेप क्या होगा? आपका जो पूछा है उसके सामने आप उसके रैंडम नंबर्स लिखोगे, राइट? याद है आप लोगों को रैंडम नंबर्स? देखो आपके पास में रैंडम नंबर्स, ये शुरू के 10 रैंडम नंबर उठा लो। 10 वीक्स है तो 10 रैंडम नंबर्स उठा लो। 1, 2, 3 उठाओ। पहला क्या है? 35, 52, 13। फिर 13 के बाद में क्या है अपना? 90, 23, 73। फिर क्या है अपना 73 के बाद में? 34, 57, 35। क्या है? 34, 57, 35। और 10th नंबर क्या है अपना? 83। हाँ 83। ठीक है, ये हमने इसके सामने 10 हफ्तों के 10 रैंडम नंबर उठा लिए। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आपको क्या जनरेट करना है? आपको क्या फाइंड आउट, ये आपको डिमांड जनरेट करनी है कि भाई 10 हफ्ते में क्या डिमांड आएगी। ठीक है चलो, 10 हफ्ते की डिमांड क्या आएगी? बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो डिमांड निकालनी है, उसने बोला है इसलिए हम निकालेंगे। जो वो बोल रहा है वो टेबल बनाते जाएंगे। तो डिमांड कैसी आएगी? तो आपको ये जो रैंडम नंबर्स आपको दिए हुए हैं इसको किस में जाके ढूंढना है? रेंज में। दिस नंबर आपको, यू हैव टू लोकेट दिस नंबर इन योर रैंडम नंबर रेंज इन दिस इंटरवल। बोलो मैम, ये रैंडम नंबर जो अपन ने चूज किए ये 35, 52 से चालू नहीं कर सकते क्या? कहाँ से चालू नहीं कर सकते मतलब बेटा? 35 से जरूरी थोड़ा है, 52 से तो ले सकते हैं ना बेटा। आप है ना ऐसे मत करो, आप ना शुरू से ही लो ताकि आप सबका आंसर मैच हो जाए। उनके पास में एग्जामिनर के पास में जो आंसर शीट है ना उसमें 10 तरीके के आंसर नहीं होंगे, 1 ही तरीके का आंसर होगा। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ना। आपका क्वेश्चन वैलिड है, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? बट यू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है? अब 35 लिया, 35 कहाँ पे? हाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सी इंटरवल में लाई कर रहा है अपने? 26 to 41। तो हमको क्या निकालना है? डिमांड। तो डिमांड कहाँ ये रही? तो मतलब इसमें देखते हैं 35 यहाँ लोकेट करता है तो इसके सामने डिमांड कहाँ ये रही? डिमांड तो कितनी डिमांड आएगी? 10 वीक में। हाँ 10 डिमांड आएगी ना 10। दूसरा नंबर क्या है आपका? 52 कहाँ लोकेट करोगे? 42 to 83। 15 डिमांड। हाँ तो कितनी डिमांड हो जाएगी? 15 हो जाएगी इसके सामने, तो ये 15 हो गई, ठीक है? तीसरा नंबर क्या है अपना? 13 के हिसाब से। 13 के हिसाब से डिमांड। अच्छा सॉरी 5 डिमांड, ठीक है? फिर आपका क्या है 13 के बाद? 90 लास्ट वाले में आ रहा है कि सेकंड लास्ट में आ रहा है? कृष्णा कहाँ से निकल गई? लास्ट में आ रहा है मैम। 9 हाँ कितना आएगा? लास्ट से फर्स्ट 20 डिमांड आएगी। 20 हाँ 20। 23 कहाँ लोकेट करोगे? 23 के सामने क्या आएगा? 5। 73 कहाँ आएगा? 73 के सामने डिमांड 15। हाँ 15। 34 के सामने की डिमांड बताओ, ठीक है? फिर 15. इसके बाद हाँ 15। फिर 35 के सामने की डिमांड बताओ 10। और 83 लास्ट 83 का बता दो। ये हाँ ये 15। हाँ ये 15, ठीक है? ठीक है, ये हमने क्या कर ली? अपने 10 हफ्तों की डिमांड उसने बोला, हमने 10 हफ्तों की डिमांड निकाल ली। और उसका टोटल लगा ले लो, टोटल कितना आएगा निकाल लो कैलकुलेटर पे। एक सौ बीस ये तो आ गई 10 हफ्ते की टोटल डिमांड आ गई। क्या आ गई?
अब आपको क्या पूछ रहा था एक क्वेश्चन में, देखो जनरेट डिमांड फाइंड आउट एवरेज पर वीक, एवरेज एवरेज कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाय 10 एवरेज डिमांड पर वीक हर हफ्ते का, आपके पास में 10 हफ्ते हैं, 20 डिवाइड बाय 10 होगा ना, टोटल डिमांड 120 हर हफ्ते की, तो 10 वीक्स हैं आपके पास में, है ना, तो 12 डिमांड कितनी आ जाएगी ऑन एन एवरेज, 12 डिमांड्स पर वीक आ जाएगी, ओके हमें एक बार रेंज वाला शो करना। हाँ बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले लो, ये लो आप। मैम क्वेश्चन तो कर लिया, बस एक पॉइंट देख रही थी। हाँ देख लो बेटा। मैम ए पार्ट का क्या होगा आंसर, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुको, स्टेट वाला जो क्वेश्चन, स्टेट द मेजर टू रीजन, दो कारण बताओ फॉर यूजिंग सिमुलेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब मैं, आप कोशिश करिए मेरे साथ साथ, हम दो एडवांटेज बताने थे ना, एडवांटेजेस। हाँ तो दो रीजंस बताओ कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिमुलेशन क्यों लिया काम में, कोई भी दो रीजन, एनी मतलब स्टेट, बड़े बड़े दो रीजन कोई भी बता दो आपको जो लगता है, बताओ आप बताओ क्या रीजन है। मैम एक तो एक्सपेरिमेंटेशन किया अपनोंने। हाँ कि हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हाँ we have done experiment with the help of implement system model system ki help se apno ne model model ki help ha experiment kiya with the help of model of a model using random numbers hai na aur mam such models are flexible ha and can be modified ha and ha kuch bhi likh lo jo bhi aapko reason lagta hai likh lo chalo aur koi reason dena chahega aapka bhi acha reason hai aur koi easy to बोलो बोलो इजी टू यूज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब देखो इसमें आप और भी क्या कह सकते हो कि हमारे पास में क्या है, हमको एग्जैक्टली कोई चीज तो फ्यूचर की पता नहीं होती है, वी डोंट नो द फ्यूचर एग्जैक्टली, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा वी ट्राई टू फाइंड आउट द फ्यूचर डेटा, ठीक है, हमने क्या करा, वी जनरेटेड न्यू डेटा यूजिंग सिमुलेशन मॉडल। मैम कोई से भी लिख सकते ना एडवांटेजेस, यस यस बिकॉज इट बिकॉज इट फोर्सी वाला बोला ना आपने, हाँ सो बिकॉज सिमुलेशन इट कैन, यस मैम, हाँ इट कैन फोर्सी द फ्यूचर, ठीक है मैम। हाँ बेटा और भी बोलो। हाँ मैम ये जरूरी है क्या, मतलब एडवांटेज लिखना, अरे देखो ना स्टेट मेजर टू रीजंस, अच्छा हाँ क्वेश्चन में पूछा ना, ये बच्चे ऐसे नहीं बोल रहे, ये बच्चों ने मैंने इनको यहाँ ढूंढने के लिए बोला कि ये क्वेश्चन में ये पार्ट करो, इन्हें फर्स्ट पार्ट भी देखा सेकेंड पार्ट भी कर लिया, लेकिन थर्ड पार्ट पे तो नजर देखो ना, कुछ ही बच्चों की गई, कुछ ही चंद अच्छे बच्चों की गई, अच्छे बच्चे, ठीक है, वो इतना वो रखा है इसके ऊपर तो। हाँ जी बेटा, एक तो पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही मेरी, तो आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है। मैम मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उस पे इतना मार्कर वो चल रखा है ना, तो वो दिखाई नहीं, क्या करूँ बताओ, मिटा दूँ, नहीं मैम फ्रेंड तो अब तो पता चल, तो हो गई क्लास आपकी है ना, ये लो लो, थोड़ी तकलीफ होती है बट मैं क्या करूं, आपको आपकी नजरों को यहाँ पे, ये मैंने यहाँ तो इसको छोड़ दिया था थ्योरेटिकल पार्ट को। मैम टेबल टू दिखाना एक बार। हाँ बेटा ये टेबल वन सबने लिख लिया तो आपको इजी है, और टेबल टू क्या होता है, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या क्या नीड है, ठीक है मैं इसको रोक रही हूँ।